अभी क्या हुआ, ये चारों के चारों साइड आम खा रहे थे, कच्चे आम। और कच्चे आम तोड़ते टाइम ही नहीं किसी ने देख लिया और भागते भागते डायरेक्ट यहीं आ गए चारों के चारों। और गौरी के पास अभी भी आम है और आम अभी हुए नहीं और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। और अब चारों के चारों शर्मा रहे और डर के मारे यहाँ पे आ गए मेरे सामने, क्योंकि किसी के आम तोड़ रहे थे। तो अभी से कच्चे आम क्यों खा रहे तुम? मजा आते हैं। और ये है निखिल, ये है प्रियांशु, ये अंकित और एक गौरी। और गौरी तो अभी तक खा रही है कच्चे आम और घर से नमक लाई थी। है गौरी, कैसे हो रहे थे आम? गंदे, गंदा है। तो तोड़े क्यों? कौन से खाया है? तो किसने खाए जल्दी बता, आम कौन तोड़ रहा था? तीन जल्दी बताओ, आम कौन तोड़ रहा था? उस वाले पेड़ से आम तोड़ रहे थे चारों के चारों। और जैसे ही जिनका पेड़ था उन्होंने देखा तो इन्हें मारने के लिए आ रहे थे, तो चारों के चारों बचने के लिए यहाँ पे आ गए। और गौरी घर से नमक लाई थी। इसके पीछे को देखो, आम कौन तोड़ रहा था? यू गौरी, ये भी, तू तू भी, ये दोनों तोड़ रहे थे, बस हम दोनों आम आम ला रहे थे। अच्छा, अभी क्या हुआ, ये चारों के चारों उधर से कच्चे आम तोड़ रहे थे तो इन्हें किसी ने देख लिया और ये चारों के चारों यहाँ पे बचने के लिए आ गए मेरे सामने और कहने लगे बताना मत हम यहाँ हैं। और अभी कच्चे आम हुए भी नहीं है लेकिन ये लोग तोड़ के खाने लगे उन्हें। और गांव में लगातार 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, इसलिए हमारी कोई नई वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि लाइट नहीं थी, क्योंकि गाँव में बारिश होती है तो शाम को लाइट नहीं रहती। आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, पहला मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी गुलजार। और आज हम लोग आपको दिखाएंगे गांव में आजकल क्या हो रहा है और पहाड़ी लाइफ स्टाइल क्या है। अभी शाम के बजे हैं 4 और अभी हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गौशाला। हाँ, आज हम लोग जाएंगे गौशाले में। और गौशाले में किस किस के गौशाले में जाएंगे आज? हमारे प्रियांशु के और अंकित के और निखिल के और गौरी के, इन चारों के गौशाले में जाएंगे और देखेंगे इन्होंने क्या क्या कर रखा है वहाँ और इनके पास क्या क्या जानवर हैं। तो चलो चलते हैं, पहले किसके गौशाले में चलेंगे? गौरी के ना, तो पहले गौरी से मिलते हैं। है गौरी, सबसे पहले हम गौरी के गौशाले में जाएंगे, उसके बाद इन लोग के गौशाले में जाएंगे। तो गौरी तुम्हारे गौशाले में क्या क्या है? हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो? आज देख रहे हैं आप देखिए आप किसके फूल हैं आप। और यहाँ पे हमारा छोटा सा बगीचा है और ये देखिए आज मस्त फूल उगे हैं यहाँ पे। ये रहे गौरी, किस चीज के फूल है ये? निशादी ने बोती है। किसने? निशादी ने। मैंने बोए हैं ये वाले फूल, निशादी ने तो ये बोए होंगे। किसने बोए हैं ये? तुमने। तो चलो तुम्हारे गौशाले में चलते हैं और कमेंट में जरूर बताना फूल कैसे लग रहे हैं। हैं गौरी, कैसे लग रहे तुझे? मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, प्यारे। अच्छा। मैंने भी बूते हैं इसे। तो सबसे पहले हम गौरी के गौशाले में जाएंगे और वहाँ देखेंगे क्या क्या है। तो चलो चलते हैं। Colorful Flowers by Tokyo Music. अभी क्या हुआ, हम सबके गौशाला में गए लेकिन वहाँ हमें कोई जानवर देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम सभी लोग अपने जानवरों को जंगल लेके गए हैं। तो मैं अपने ही गौशाले में आ गया और यहाँ मुझे थोड़ा काम था। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गोपियाँ पे पानी डाल रहा है क्योंकि हमने अभी वहाँ पे लौकी के बीज बोए हैं और एक हफ्ते बाद वो बीज उग जाएंगे। और यहाँ पे ये पुराना लौकी है जो पिछले साल का है, इसी के अंदर से हमने बीज निकाले। अभी भी इसके अंदर मैं दिखाता हूँ बीज होंगे, ये देखिए अभी भी इसके अंदर बीज हैं और इसमें से हम कुछ बीज बो चुके हैं तो कुछ बाद में बोएंगे। और ये एक लौकी देखिए कितने साल पुराना होगा अंकित? दो। हाँ, पिछले साल का लौकी है। और अब देखिए बीज इसके अंदर सुरक्षित हैं। और प्रियांशु वहाँ पानी डाल रहा है और ये प्रियांशु की गाय है जो अभी चरने नहीं गई है। और ये दूध दिन चू और ये छोटी बकरी है। येल का बाजार चढ़ना खड़े, अरे येल का बाजार चढ़ना खड़े। अच्छा, अभी कदा साल आ चू? अभी ये 4-5 महीने का है और बाद में जाएगा।
और केवल प्रियांशु ही कई गौशाला ऐसे था जहाँ कुछ जानवर हमें देखने को मिले, लेकिन बाकी सबके गौशाला में हम गए थे वहाँ एक भी जानवर नहीं मिला, केवल गौशाले देखने को मिला। इसलिए हम लोगों ने वहाँ वीडियो नहीं बनाए क्योंकि सभी लोग इस टाइम जंगल ले जाते हैं अपने गाय बछड़ी को। और इस साइड आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी आग लगी है। ये आग कब लगी थी ये आग अंकित? और ये देखिए पूरा जंगल इस साइड पूरा जल गया था। ये देखिए इस साइड पूरी आग लगी थी और पूरी आग इतनी तगड़ी थी कि ऊपर तक आग पूरी लग गई थी। और यहाँ पे जो घास के होते हैं क्या कहते हैं सूला, वो पूरे जल गए थे यहाँ पेड़ में, पूरा पेड़ में जल गया था। और यहाँ पे हमारी जो लकड़ियाँ थी ये सुरक्षित हैं, यहाँ तक आग नहीं आई। और यहाँ पे अजीत सिंह भी आ चुके हैं अब। क्या क्या मार रही? और अंकित अजीत सिंह कुछ न्यूज़ लेके आए, क्या मार रखा है? गिलहरी। गिलहरी किसने? कुत्ते ने। किसके कुत्ते ने? गंपा। कितना बड़ा? ना यार तो अजीत बता रहा है कि किसी कुत्ते ने गिलहरी मार दी है ऊपर। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि सच है या झूठ। सच मारे क्या कदा बड़े ना यार? क्या चाहिए गिलहरी का नून? गिलहरी कितना रही? वो तो छोटा रही गिलहरी। अच्छा बिरोल मार रहा है, क्या मार रहा है रुकी बोल मैं? अरे गिलहरी गिलहरी तितनू रहे थे गिलहरी छोटी खुर्सी वाला वो लंबा लंबा बोला ना। हाँ वो एक गिलहरी नहीं बोलता वो खुर्सी वाला है। सच में नहीं मार रहा यार वो? दादी तुम स्कूल जा रहे हो कभी? ना कभी ना नहीं गो और लुको के कौन लुको मासो डारे का पराठा ना मैं एक ही दिन को बस बस कब कब जान था मामा बीती जगह कह उसके दिन मतलब तुम था ए आता वाला अरे यार तो पानी सुनाओ दी नन्ने बोला ए आ ई ई उ उ ए आई ओ औ आ हां दसी तुम बोलो स्कूल ही नहीं गामी रुपये देने ना तो तुम तो पहचान दे दो। हाँ रुपये पहचान दे दो पता नोट भी हो। हाँ अच्छा पहचान दे ना ना तुम आप ही पहचान दे दो ना नहीं तो पहचान थोड़ा बहुत पहचान दिन दो तुम कदा नोट च। अच्छा थोड़ा फूक दो ना सा। और दद्दी एक दो दिन स्कूल गावले तब भी दत्ता पूरवान है ए आ का खा गिनती ये चार तो बोल दी कि मेरे में यार मुंह तो मिन्ने कम दे का मुक का के तुम इन गई गवारत छो इन्नी छ तुम जा नेम दिखी मैं कैमरा इन्नी छ सही आज ना रे मिल तुम। अच्छा तो अभी हम लोग गौशाला से आए और वहाँ हम आज गौशाला की वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि गौशाला में इस टाइम सभी जो बकरियाँ थी वो चरने गई थी, जो भी जानवर थे उन जिनके पास, तो हम वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए। और अभी हमने दद्दी जी से बात की तो दद्दी जी बता रही थी मैं एक दिन स्कूल गई थी लेकिन उस दिन भी छुप गई और कभी कभार जाती थी। और आजकल गाँव में 3-4 दिन से लाइट नहीं थी इसलिए हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी और तूफान चला, तो इसकी वजह से लाइट चली जाती है गांव में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।